मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई वैसे विपक्ष ने आदिवासी विधायक पांचीलाल मीणा के साथ हुई मारपीट का मुद्दा सदन में उठाया और उन्हें सुरक्षा देने की मांग करने लगे, जिसके चलते सदन प्रश्नकाल की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इसके चलते पूरा प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। प्रश्नकाल के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो उसके बाद भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आसंदी के सामने नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच ही पत्रों को पटल पर रखा गया। विधि विषयक विधेयक और अनुपूरक बजट को पास करने के बाद सदन की कार्यवाही को अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दिया गया। 5 दिन के लिए आहूत की गई विधानसभा मात्र 3 दिनों तक ही चल पाई और उसमें भी सिर्फ हंगामा ही हुआ। इसे लेकर हमारे संवाददाता हेमंत माली ने चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग से खास बातचीत की। सारंग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हर हमेशा विपक्ष कहता है कि सदन की बैठकों को बढ़ाया जाना चाहिए, समय बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन अंदर तो अब ये तो आप ही बोल रहे हैं। देखिए सीधी बात है, कांग्रेस चाहती है कि वो केवल मीडिया के सुर्खियों में बनी रहे, जनता की समस्या को हल करना हो या जनता की बात को मुद्दे को यदि सदन में उठाना उसकी उनको कोई फिक्र नहीं है, केवल हंगामा कर रहा है। सर, आज विधायक ने कुर्ता भी फाड़ा है, कह रहे हैं कि आदिवासी जो विधायक हैं वो असुरक्षित हैं, कुर्ता फाड़ रहे हैं। देखिए वो तो स्वयं पांचीलाल मीणा जी तो कांग्रेस विधायक दल से रुष्ट हैं कि कमलनाथ जी और गोविंद सिंह जी उसका साथ नहीं दे रहे, उनका साथ नहीं दे रहे। ये थे हमारे साथ चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। इनका साफ कहना है कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कांग्रेस मुद्दा विहीन है, सदन के अंदर चर्चा करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस जो है चर्चा से भागती है और सिर्फ हंगामा करती है।